उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2022, ऑनलाइन आवेदन यूपी शादी अनुदान योजना। तो इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिक की बेटियां जो होती हैं, जो गरीब लोग रहते हैं, उनकी बेटी की शादी में सरकार आर्थिक रूप से सहायता करेगी, पैसा देके सहायता करेगी सरकार। विवाह अनुदान योजना 2022 के लाभ, इसके क्या क्या लाभ हैं? पहला है, इस योजना का लाभ गरीब परिवार की बेटियां को प्रदान किया जाएगा। दूसरा है, शादी अनुदान योजना 2022 के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्या, आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवार की लड़कियां की शादी के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमज़ोर, अन्य पिछड़ा वर्ग की परिवार की जो बेटियां हैं उनको सहायता किया जाएगा सरकार की तरफ से। तीसरा है, इस योजना के जरिए लड़कियों को लेकर लोगों की नकारात्मक सोच बदलेगी। बहुत सारे लोगों का गलत माइंडसेट रहता है, उसकी सोच बदलेगी इस योजना के तहत। शादी अनुदान योजना 2022 के दस्तावेज, इसके क्या क्या दस्तावेज लगेंगे अगर आप ऑनलाइन भरने जाते हैं तो? आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवेदक का पहचान पत्र, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, आवेदक का शादी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो आपको इसको भरने के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइए, upsdc.gov.in। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपका ऐसा होम पेज खुल जाएगा। होम पेज खुलने के बाद यहाँ पे नई पंजीकरण दिख रहा है, इस पर आपको पहला ऑप्शन जो दिख रहा है, सामान्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग आवेदन, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज यहाँ पे विवाह हेतु अनुदान यहाँ पे फॉर्म खुल गया है। तो यहाँ पे पूछा है आवेदक का विवरण, पूछा है पुत्री की शादी की तिथि, तो यहाँ पे जो लड़की का शादी होगा उसका डेट यहाँ पे भरना है। और यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है फ़ोटो 1 KB से 20 KB तक और PDF 1 KB से 40 KB तक होना चाहिए। यहाँ पर आगे आपसे फ़ोटो अपलोड के लिए मांगा जाएगा, जिसमें आपको 20 KB तक कहीं फ़ोटो अपलोड करना है या फिर PDF अपलोड करना है तो 40 KB तक का। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ जनपद आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, तहसील यहाँ पे चयन करना है अपना, फिर पुत्री का फ़ोटो अपलोड करना है, लड़की का यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देना है। और यहाँ बोला गया है JPEG फॉर्मेट और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, तो आपका दो फॉर्मेट में होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पर आवेदक का फ़ोटो, लड़का का फ़ोटो यहाँ पर भर देना है। ऊपर यहाँ शहरी या ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, चयन कर लीजिए। फिर आपसे पूछा आवेदक का नाम, आवेदक का नाम यहाँ पे भरना है, लड़के का, यहाँ लड़की का नाम भरना है, पुत्री का नाम, और फिर यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र का संख्या यहाँ पे भरना है, उसका जो नंबर दिया हुआ रहेगा जाति प्रमाण पत्र का वो संख्या यहाँ भरना है, फिर हिंदू धर्म वर्ग जो यहाँ दिया है तो यहाँ से चयन कर लेना है, फिर कौन से जाति का है यहाँ पर चयन करना है। उसके नीचे पहचान पत्र की फ़ोटो कॉपी को अपलोड करना है, तो आपका जो पहचान पत्र रहेगा उसके फ़ोटो कॉपी को स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ अपलोड करने के बाद आवेदक के पिता या पति का नाम यहाँ पर भरना है, आवेदक का यहाँ लिंक सेलेक्ट कर लीजिए, यदि आवेदक विधवा या विकलांग है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। पुत्री के पिता का नाम, लड़की के पिता का नाम यहाँ भरना है, पुत्री के साथ आवेदक का संबंध, वो संबंध यहाँ पे बताना है आपको भरना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर भर दीजिए, फिर क्या आवेदक द्वारा दूसरी पुत्री के लिए आवेदन किया जा रहा है, आप पहला पुत्री का शादी करा रहे हैं या दूसरे पुत्री का, तो यहाँ पे आप भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे शादी का विवरण पूछा है, तो वर का नाम, लड़के का नाम यहाँ पर भरना है, उसके बाद वर का पूरा पता, एड्रेस पूरा यहाँ भर देना है, फिर पुत्री की आयु, लड़की का कितना आयु हो रहा है वो यहाँ पर भरना है। तो आवेदक जो यहाँ पे पूछा गया, आवेदक जो यहाँ पे भर रहा है उसका नाम वहाँ पे भरना है, आवेदक जहाँ भी बोला गया है। यहाँ पुत्री का जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ यहाँ भर देना है, पुत्री की उम्र सत्यापित करने के लिए प्रमाण पत्र की फ़ोटो कॉपी को अपलोड करना होगा, तो प्रमाण पत्र का जो फ़ोटो कॉपी है उसको अपलोड यहाँ पर करना है। उसके बाद शादी के सत्यापन प्रमाण पत्र को यहाँ से चयन कर लेना है। वर का आयु, लड़के का कितना वर्ष हो रहा है वो यहाँ भरना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है वर्षों में भरना है। उसके बाद शादी के प्रमाण पत्र या फिर कार्ड की फ़ोटो कॉपी को अपलोड करना है, तो यहाँ से आप अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आप
उसके बाद आप नीचे की तरफ आइएगा तो आपको वार्षिक आय का विवरण दिख रहा है। तो इसमें तहसील द्वारा निर्गत वार्षिक आय, तो तहसील के द्वारा जो निर्गत वार्षिक आय है वो यहाँ पे भरना है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र का संख्या, कितना कमाते हैं तो उसका प्रमाण पत्र जो है उसका संख्या भरना है। फिर आय प्रमाण पत्र की फ़ोटो कॉपी को अपलोड करना है, उसका एक फ़ोटो कॉपी भी यहाँ पे अपलोड करना होगा। फिर बैंक का विवरण पूछा गया, बैंक का नाम यहाँ भर दीजिए, बैंक शाखा, फिर खाता संख्या यहाँ भरना है, फिर IFS कोड भरना है, IFSC कोड बैंक पासबुक में दिया रहता है। उसके बाद बैंक पासबुक की फ़ोटो कॉपी को अपलोड करना है, तो बैंक का जो पासबुक है उसके फ़ोटो कॉपी को अपलोड करना है। फिर ऊपर लिखा हुआ कोड टाइप करें, तो ये जो कैप्चा कोड है इसको यहाँ भर देना है। इसको भरने के बाद यहाँ सेव दिख रहा है, इस सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपका सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा।